हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के फी स्ट्रक्चर के पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में न्यू अपडेट देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए जो हॉस्पिटल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं या रिन्यूअल के लिए करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी सर्टिफिकेशन की साइकिल में ऑलरेडी वो चल रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आई नो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही होगी ये आवाज़, बट मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है, इसलिए इस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो इसको इग्नोर करते हुए आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अगर वो प्रोसेस आपको थोड़ा सा लंबा लगता है तो आप इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं फ़ी से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेमेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रही हूँ, ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर है पेमेंट का एज़ पर न्यू गाइडलाइंस NABH के, ठीक है, फॉर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे फुल एक्रीडिटेशन की बात ना करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ। अभी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स क्या है, NABH देखिए एक्रीडिटेशन देता है, एक देता है सर्टिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे फुल एक्रीडिटेशन की बात ना करते हुए सर्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ। सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं आयुष सेंटर के लिए एंट्री लेवल के, ठीक है, जितने भी एंट्री लेवल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आयुष सेंटर के लिए हो, हॉस्पिटल्स के लिए हो, स्मॉल हेल्थ केयर हॉस्पिटल के लिए हो, ठीक है, वो इस जो पेमेंट स्ट्रक्चर है इसके अंडर आएंगे। प्लस जो मेडिकल लैब के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी इस पेमेंट स्ट्रक्चर के अंडर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं और जो लोग अभी फ्रेश अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेमेंट स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, NABH की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पेमेंट स्ट्रक्चर है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए वो है कि आप पहले क्या करते थे, एनुअल बेसिस पे पेमेंट करते थे कि साल बाद हम जो है वो पेमेंट करेंगे, बट जो भी आपकी फ़ीस होगी, ठीक है, तो वो आपने साल बाद जो है एनुअल बेसिस पे आपने उनको पेमेंट करनी होती थी। बट अभी क्या है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपने दो साल की पेमेंट इन वन गो करनी है, ठीक है, वन एज अ कंसिडर करेंगे आप वन टाइम पेमेंट, तो दो साल की पेमेंट जो है आपने एक बार में ही कर देनी है। ये चेंजेस हैं आपके पेमेंट के स्ट्रक्चर में जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि इसको फुल एक्रीडिटेशन से बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत करना, उसके अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, अभी सिर्फ गाइडलाइंस है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए। पहला तो ये है कि जो हॉस्पिटल्स अभी फ्रेश अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेशन के लिए एंट्री लेवल की या फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वो एक तरीके से फ्रेश ही हो गया, ठीक है, एक फ्रेश और दूसरा जो है रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये जो पेमेंट स्ट्रक्चर है न्यू वो लागू होगा फ्रॉम 1st of June, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो भी अभी फ्रेश फाइल करेंगे या रिन्यूअल के लिए एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेंगे, उन लोगों के लिए ये पेमेंट स्ट्रक्चर जो है वो 1st of June से अप्लाई कर दिया गया है, ये फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक्रेडिटेशन साइकिल में है, उस प्रोसेस में है या उनको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, तो उन लोगों के लिए अभी तक वो एनुअल बेसिस वाला हिसाब है कि एनुअल बेसिस पे ही आपको जो पेमेंट है NABH को करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर उसके बाद आपका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप फ्रेश अप्लाई करेंगे या फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों के लिए जो दो साल की पेमेंट है वो एक बार में करनी होगी, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इसीलिए इतनी बैकग्राउंड नॉइज़ में भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और अभी भी मैं आपको ये बोलूँगी कि फुल एक्रीडिटेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए है NABH के, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, ये एक तरीके की अपडेट है, तो उम्मीद करती हूँ अपडेट आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं हेल्थ क्वालिटी से रिलेटेड, NABH से अपडेट रिलेटेड और एक्रीडिटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।